बिना सोचे समझे इनको अनुमति दे दिया गया कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के तैयार करके दुरुस्त हो गए तब इनको इनकी छटैया हो गई। तो ऐसी परिस्थिति में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और फिर पुनर्विचार में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अब मैं कह सकता हूं कि अब बीएड वालों के लिए इसमें कोई चारा नहीं बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बोलने की औकात तो किसी में है भी नहीं। केंद्र सरकार अध्यादेश लाए तब कोई बात होगी, क्योंकि 50 लाख लड़के बीएड हैं। केंद्र सरकार से यही विनती है, बिहार के बच्चे भी विनती करें, पूरे भारत के बच्चे विनती करें कि वे अपना कोई अध्यादेश जारी करें। हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय अतुल प्रसाद जी को मैं सैल्यूट बार बार करता हूं, भले हमको लोग चम्मच कहे उनका कोई गम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जो नया वैकेंसी नवंबर में निकाल रहे हैं उसमें 6-8 वाले के लिए इतना सीट दीजिए जरूर, ताकि जितने बीएड वाले बेचारे इस बार छट गए हैं वे उनका चयन हो सके और वे भी नौकरी में चले। अभी तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, किसी भी तरह का घिसपिट करना या इनकलाब जिंदाबाद करना, रोड पर जाना मूर्खता से परिपूर्ण है। 1 लाख से अधिक सीट नवंबर में आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप, मैं हूँ आदेश पुरी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कल रिव्यू डाला गया था बीएड वालों को लेकर, प्राथमिक विद्यालय में जो अप्लाई किए हुए थे उनकी योग्यता को लेकर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था कि अब प्राइमरी विद्यालयों में डीएलएड के कैंडिडेट ही योग्य रहेंगे, बीएड के नहीं, उसको बरकरार रखा है। ऐसे में अब जो बिहार में 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिनमें 80,000 प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या में बिहार से बीएड के कैंडिडेट भी शामिल हुए थे और उन्हें आशा था कि बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि 11 अगस्त का फैसला सही है, दुरुस्त है, वही आगे चलेगा। अब आगे का क्या भविष्य होगा सर? सुप्रीम कोर्ट ने उसी जो अपने फैसले को जो ऐसा बरकरार रखा है, अब कैसे देख रहे हैं आगे का राह सर? देखिए, आदेश स्पष्ट रूप से है कि ये आपको 1-5 डीएलएड के लिए ही था। जी सर, डीएलएड के लिए होता ही है, और इस पर बीच में पता नहीं क्यों राजनीतिक चाल या कुछ ब्रिज कोर्स लाकर इसमें मौका दे दिया गया था कुछ लोगों को, बीएड वालों को मौका दे दिया गया था उस समय, बिना इस सोचे समझे कि इसका कानूनी अड़चन क्या होगा, किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इसको ब्रिज को छुला के उसको घुसा दिया गया। लेकिन वैसी परिस्थिति में जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया और फिर पुनर्विचार में भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, तो अब मैं कह सकता हूं कि अब बीएड वालों के लिए इसमें कोई चारा नहीं बन रहा है। लेकिन एक रास्ता केवल बचता है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाए तब कोई बात होगी, क्योंकि 50 लाख लड़के बीएड हैं जो 1-5 के भी ललायत रहते हैं। इसमें बिहार के लड़के भी, यूपी के लड़के भी, मध्य प्रदेश के लड़के भी, बहुत से जगह के लड़के प्रभावित हो रहे हैं। तो अब सिवाय केंद्र सरकार के अध्यादेश के अब संवैधानिक व्याख्या करने को जाएगा, है औकात किसी में? तो है नहीं। तो अब थर्ड बेंच में जाने की स्थिति रही। अब केंद्र सरकार से यही विनती है, बिहार के बच्चे भी विनती करें, पूरे भारत के बच्चे विनती करें कि वे अपना कोई अध्यादेश जारी करें, अदरवाइज बीएड वाले के लिए अब 1-5 में किसी तरह का चारा नहीं है। और यह गलती भी राजनीतिक गलती थी जब ब्रिज कोर्स को शामिल किया गया था बिना सोचे समझे, क्योंकि 1-5 वस्तुतः डीएलएड का ही होता है जिसमें घुसा दिया गया था बीएड वाले को। लेकिन बीएड वाले बेचारे की कोई गलती नहीं है, क्योंकि बिना सोचे समझे इनको अनुमति दे दिया गया कि आप फॉर्म भरिए, फॉर्म भर के तैयार करके दुरुस्त हो गए तब इनको इनकी छटैया हो गई। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश मतलब आदेश होता है, इसके पर कुछ भी बोलना एक आसमान पर थूकने के समान। सर आज मैंने बीपीएससी के अध्यक्ष से भी सर इंटरव्यू किया, उनसे भी ये प्रश्न किया गया, तो उन्होंने साफ साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि है। क्या मतलब निकल रहा है इससे सर? बिल्कुल, जब माननीय अतुल प्रसाद जी ने जो बात कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध बोलने की औकात तो किसी में है भी नहीं। अगर मान ले कोई बोलिए देता है मनोबड़ों में तो उससे क्या फायदा होगा? कंटेंप्ट छोड़कर दूसरा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब अतुल प्रसाद ऐसा बोल रहे हैं और सेकेंड बेंच से भी यह सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो अब मुझे लग रहा है कि अतुल प्रसाद जी यह इंडिकेट कर दिए हैं कि बीएड वालों के लिए 1-5 नहीं है, इसलिए डीएलएड वाले जो 1-5 वाले हैं उन्हीं तक रहने दिया जाए।
और वही अपने परीक्षा का इंतजार करे। और लेकिन सरकार से अनुरोध हम करेंगे, बिहार सरकार से अनुरोध करेंगे, बीपीएससी से अनुरोध करेंगे कि 6 से 8 में इतनी बहाली दीजिए ताकि बेचारे बीएड वाले जो बर्बाद हो गए उनको मौका मिल सके, वो अपने शिक्षक की नौकरी को प्राप्त कर सके। सर ऐसी सूचना भी है कि इसी साल एक लंबा चौड़ा और फिर जो है शिक्षक बहाली आएगा दूसरा फेज, 1 लाख से अधिक सीट होने की खबरें निकल के आ रही हैं। सर क्या कहेंगे सर, उसमें आप क्या मांग करेंगे इन छात्रों के लिए जो इसमें फॉर्म डाले थे बीएड वाले और एक तरह से वो बाहर ही हो गए आप? सर देखिए अभी तो मैं सिर्फ यही कहूंगा किसी भी तरह का घिसपिट घिसपिट करना या इनकलाब जिंदाबाद करना रोड पर जाना मूर्खता से परिपूर्ण है। 1 लाख से अधिक सीट नवंबर में आ रहा है तो मैं केवल और केवल बिहार सरकार से यही कहूंगा कि डीएलएड मतलब 1-5 ये तो फिक्स हो गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो 6-8 में जो वैकेंसी नहीं था जिसमें बीएड वाले एलिजिबल हैं उनके लिए सरकार इंसाफ करे और ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी क्रिएट करे ताकि जो बच्चे इस बार चट गए बीएड वाले उनको मौका मिले और वे अपने सपना को पूरा कर सके। सर बीएड वाले सर बड़ा उदास हैं सर, और बड़ा ही अच्छा एग्जाम बहुत लोगों का गया था, कहना था, मेरी भी भेंट मुलाकात हुई, वो कहें कि बीएड से हैं, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा लेकिन परीक्षा अच्छा गया। सर उन पर क्या बीत रहा है? एक बात बता दे आदेश की, कभी बीएड वाले के बारे में बोलिए तो डीएलएड वाले हमको कहते हैं कि बीएड वाले का दलाल है, कभी डीएलएड वाले के बारे में बोलिए तो बीएड वाले को बोलिए तुम तम करने लगता है ऑनलाइन में। तो निश्चित रूप से बच्चे पढ़े थे बीएड वाले, गलती कहां पर हो गई? गलती हुई कि जब फॉर्म भरा रहा था तो उसी समय पूरा कानूनी दांव पे सोच के फॉर्म में लिख देना चाहिए था कि 1-5 में केवल डीएलएड वाले रहेंगे, ब्रिज कोर्स की कोई गुंजाइश नहीं होगी। क्योंकि ब्रिज कोर्स घुसाया गया था जानबूझ के आप खेल खेलने के लिए बीएड वाले बच्चों के लिए, जबकि 1-5 डीएलएड वालों का होता है। तो अब जब घुसा दिया गया था, जब फॉर्म अब भरवा दिए, फॉर्म भरवाने के बाद जब लड़के तैयारी कर लिए, तैयारी करने के बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि था, है और रहेगा हमेशा। तो अब इन बच्चों से मैं यही कहूंगा कि बाबू रे, हर जब रास्ता बंद हो जाता है तो कोई ना कोई नया रास्ता निकलता है, लेकिन हम सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, माननीय अतुल प्रसाद जी को मैं सैल्यूट बार बार करता हूं, भले हमको लोग चम्मच कहे उनका कोई गम नहीं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आप जो नया वैकेंसी नवंबर में निकाल रहे हैं उसमें 6-8 वाले के लिए इतना सीट दीजिए जरूर ताकि जितने बीएड वाले बेचारे इस बार छट गए हैं वे उनकी उनका चयन हो सके और वे भी नौकरी में चले जाए। ठीक है, नौकरी में चल जाए। सर तो बता दें आपको कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे बीएड वालों का जो है वो हौसला काफ़ी पस्त हो गया है, जो उनके अरमान थे वो एक तरह से कहें धूमिल हो चुके हैं और इस परीक्षा में उनके चयन का रास्ता लगभग अब बंद होते दिख रहा है। लेकिन सर का कहना है कि केंद्र सरकार अध्यादेश लाए क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग है छात्रों का जो कि इससे प्रभावित हो रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा सरकार को कि अगर आप दूसरा चरण का बहाली करते हैं तो उसमें कम से कम 6 से 8 में इतना सीट रखें कि इन बीएड वाले छात्रों के साथ न्याय हो सके, क्योंकि ये लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया के लिए इंतजार कर रहे थे और फॉर्म डालने के बाद परीक्षा से कुछ दिन पहले ही इन्हें बहुत बड़ा झटका लगा, जिससे कम से कम ये उबर पाए दूसरी बहाली में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।